بسم الله الرحمن الرحيم پہلے مرجع علی قدر آیت اللہ لطف اللہ صافی گلپائیگانی کا دنیا سے گزر جانا ایک عظیم سانحہ ہے۔ یہ بڑے مراجع اور علماء میں سے تھے جو دنیا سے گزر گئے ہیں، اور بہت ساری خدمات انہوں نے علمی اپنی زندگی میں انجام دی ہیں، بہت سارے آثار، اور مخصوصاً جو آپ کی خدمات رہی ہے علمی خدمات، وہ بارہویں امام کے سلسلے میں آپ نے خدمت انجام دی ہے۔ بہت ساری کتابیں اس عنوان پر موجود ہیں۔ بہرحال علماء کا گزرنا جو روایات میں پایا جاتا ہے کہ پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی عالم کی موت ہو جاتی ہے تو دین میں اسلام میں ایک رکھنا پڑ جاتا ہے کہ وہ کبھی اس کو پر نہیں کیا جا سکتا، روز قیامت تک وہ کبھی پر نہیں ہو سکتا۔ اس قدر عالم کی اہمیت بتائی گئی ہے، اور ماہ مبارک رجب کی آمد بھی ہے کہ آج 29 تاریخ ہے، اور احتمال قوی یہ ہے کہ آج کہ رات چاند رات میں سے ہو۔ تو ماہ رجب المرجب ایک ایسے مہینوں میں سے ہیں کہ جس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یہ وہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کی عظمت اسلام سے پہلے بھی موجود تھی، اسلام سے پہلے
कि इस एतबार से कि मुशरिकों में भी, मुशरिकान अरब जो थे वो भी इस महीने का इंतज़ार करते थे अपनी दुआएं मांगने के लिए। इस महीने में दुआएं कबूल होती हैं, दुआओं के इस्तजाबत का होना इस महीने में बड़ी फजीलत रखता है। ये इस्लाम से पहले से लोग इस महीने की अजमत को जानते थे और इस्लाम ने भी इस महीने की अजमत को कायम किया। और ये चार वो महीने के जहाँ पर माह हराम कहा जाता है, मुहतरम महीने, तो इनमें से सबसे पहला महीना है माह रजब, मुहतरम महीनों में से है कि जिसमें इबादतें कई गुना हो जाती हैं और नाफरमानी का असाब भी कई गुना हो जाता है इस महीने माह रजब। साथ में इमाम इमाम मुसी काज़िम अलैहि सलाम आप इरशाद फरमाते हैं कि रजब जन्नत की एक नहरों में से एक नहर है कि जो दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा शीरी है, और इस नहर से उसे पीने की इजाज़त दी जाएगी कि जो इस महीने में एक रोज़ा तो भी रखे, कम से कम एक रोज़ा माह रजब का, उसे इस नहर से सैराब होने की इजाज़त दी जाती है कि वो इस नहर से सैराब हो सके। और आप फरमाते हैं कि जो इस महीने में एक रोज़ा रख लें वो एक साल की दूरी से जहन्नुम को अपने दूर करता है। कि अगर इंसान चल कर सफ़र करें एक साल का सफ़र, वो जहन्नुम को अपने इतना दूर कर देता है। और अगर इस महीने में तीन रोज़े कम से कम अगर कोई इंसान रख लें तो वो अपने ऊपर जन्नत को वाजिब कर लेता है। और इस महीने में, इस पूरे महीने में एक शब सबसे ज़्यादा अजीम अजमत रखती है, वो है शब लैलतुल रगाइब कहते हैं। और शब लैलतुल रगाइब पहली ही जुमेरात, शब जुमेरात को कहा जाता है। और इत्तेफाक़ से कल ही जो आने वाली जो रात है लैलतुल रगाइब की शब है, रजब की पहली शब जुमा के जो इत्तेफाक़ से कल ही आने वाली है उसे लैलतुल रगाइब कहा गया है। यानी पूरे रजब का सबसे यानी कि अहमियत वाला दिन लैलतुल रगाइब, यानी रगबतों वाला दिन लैलतुल रगाइब, इसकी बड़ी अजमत है, फजीलतें हैं, आप इसका मुताला करें। एक मुख्तसर सा अमल है कि इंसान और लैलतुल रगाइब के बारे में अजमत बताया गया कि ये दो रकात नमाज जब इंसान को कब्र में लिटा दिया जाएगा तो खूबसूरत शक्ल में ये नमाज आएगी। और जब ये सवाल करेगा कि तुम कौन हैं, कि इतना खूबसूरत मैंने आज तक किसी को नहीं देखा, इतना खूबसूरत इंसान, इतना खूबसूरत चेहरा, इतना नूरानी चेहरा और इतना ऐसी खुशबू मैंने नहीं सूंघी आज तक, तो वो कहेगा मैं तुम्हारी वो दो रकात नमाज हूँ जो तुमने फलां साल में, फलां महीने में, फलां रात में तुमने पढ़ी थी, वो दो रकात नमाज। और परेशान ना होना, मैं तुम्हारे साथ कब्र में हूँ और क़यामत में भी तुम्हारे साथ रहूँ और यहाँ तक कि तुम्हें जन्नत में पहुँचा दूँ। ये दो रकात लैलतुल रगाइब के रोज़े जुमेरात के दिन इंसान रोज़ा रखे, और उसके बाद नमाज मगरिब और ईशा जब जुमेरात के दिन मगरिब ईशा के दरमियान 12 रकात नमाज दो दो रकात करके, यानी 6 नमाजें दो दो रकात करके और पढ़े 12 रकात नमाज, 6 नमाजें पढ़े 6। और हर नमाज का तरीका ये कि अलहम के बाद 3 मरतबा सूरह कद्र का पढ़ना 3 times और 12 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाहु अहद 12 times। इस तरह ये 12 रकात नमाज पढ़ लें, उसके बाद से छोटे छोटे जिक्र बताए गए हैं कि 70 मरतबा इस्तिगफार का करना, उसके बाद सुब्हुन कुद्दूस रब्बुल मलाइकत व रूह सजदे में जाकर पढ़ना, फिर सजदे से उठकर एक छोटी सी दुआ है, फिर सजदे में जाकर सुब्हुन कुद्दूस रब्बुल मलाइकत व रूह, ये 70 मरतबा पढ़ें, बस इतना ही अमल है। मगर ये दो रकात नमाज का अमल, यानी कि लैलतुल रगाइब का अमल, ये कब्र में काम आने वाला अमल है। और उसकी और अजमतें भी बताई गई है कि जिसमें से ये है कि इंसान की हाजतें पूरी हो जाती हैं इस लैलतुल रगाइब में, इंसान की हाजतें पूरी की जाती है कि इंसान इस रात का इंतज़ार। और जनाब याकूब ने भी जहाँ पर अपने फर्जंदान से कहा था जब उनके औलाद ने आकर माफ़ी मांगी थी और कहा था कि हमारी दुआ करें मगफरत के लिए, तो उन्होंने कहा था कि मैं सौफा
मैं तुम्हारे लिए अनकरीब दुआ करूंगा। तो वो इसी माह रजब का इंतजार कर रहे थे और लैलतुल गदर का कि मैं इस शब में तुम्हारे लिए मगफरत दुआ करूँ। यानी बड़े से बड़े गुनाह इंसान के बख्श दिए जाते हैं अगर इंसान फकत तलब मगफरत करे अल्लाह की बात। शब आशूर था, सैयद शुहदा खैमों का मुआयना कर रहे हैं, एक खैमे के बाद दूसरे खैमे में। एक मरतबा जब जनाब रबाब के खैमे से गुजर रहे थे तो रोने की आवाज़ आई। जब सैयद शुहदा करीब हुए और सुना कि जनाब रबाब जनाब अली असगर के झूले को हिलाती है और कहती है कि ऐ काश अली असगर तुम इतने बड़े होते कि तुम रेंग सकते, तो मैं तुम्हें तैयार करके मैदान की जानिब रवाना कर देती। कह अली असगर मैं रोज़ क़यामत में तुम्हारी दादी के सामने कैसे दिखाऊँ कि जनाब ज़ैनब के पास औन मोहम्मद है, जनाब उम्मे फरवा के पास कासिम है, जनाब उम्मे लैला के पास अली अकबर है, ये अपने बच्चों को हुसैन पर निछावर करेंगे। ऐ मेरे लाल रबाब रोज़ क़यामत क्या करेगी, इसलिए कि रबाब के फ़कत दो बच्चे हैं, एक अली असगर जो 6 माह है और एक 3 साल बच्ची है सकीना। रबाब क्या करें, रोज़ क़यामत में कैसे जाए। एक मरतबा हुसैन रोते हुए खैमे में कहा रबाब परेशान ना हो, रोज़ क़यामत में तुम रूह सफ़ेद होंगी जनाब जहरा के सामने। ऐ रबाब तुम्हारे दोनों बच्चे मेरे इस करबला के मकसद को पूरा करेंगे। ऐ रबाब तेरे ये दोनों बच्चे शहीद हैं। एक मरतबा रबाब तड़प गई, एक सवाल करने लगी, मौला कैसे मेरा बेटा अली असगर शहीद होगा, क्या जालिम खैमों में आ जाएंगे। एक मरतबा हुसैन ने कहा मैं अली असगर को तलब शबीर भाई ऑस्ट्रेलिया के मरहूमीन के लिए सूरह फातिहा के इत्तेमास।